बाकी कैट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जैट उतना अच्छा नहीं गया बट दे कन्वर्टेड आई एफ टी एंड नाउर आई एफ टी एंड बहुत सारे जो के हैं, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आई एफ टी के इंटरव्यूज में जनरली ये देखा जाता है क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन योर सी फॉर्म फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट सीबी फॉर्म जो फिल किया है नेक्स्ट थर्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन बेस वैल्यूज है क्वेश्चन बेस्ड गिव

हमें फिफ्टी परसेंट पे भी काम करना है दैट मीन सीवी फॉर्म पे भी काम करना है हमें क्रॉस क्वेश्चन पे भी काम करना है और हमें रैंडम क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहनी है दो इफ वी केस से सॉरी इन द रैंडम क्वेश्चन बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा बट हमें सारे वर्कआउट करना है सीवी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन एंड द रैंडम क्वेश्चन सो वट आर द सेवन मेजर थिंग्स एंड द थ्री एक्स्ट्रा थिंग्स यू नीड टू वर्क अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इज गो थ्रू योर सीवी फॉर्म्स आपने सीवी फॉर्म्स फिल किया है गो थ्रू योर सीवी फॉर्म्स एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चन इफ यू वर्थ इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन पे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे लाइक द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्स लाइक अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कैन यू एक्सप्लेन आर द एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट हाउ डिड यू वर्क क्या है क्या नहीं खुद से सोचो खुद से एक्सप्लेन करो खुद से काम करो तो सीवी फॉर्म्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इवन इन द फर्स्ट पेज दैट इज अकेडमिक इन द क्वेश्चन इफ यू हैव यून टर्स इन द एंड ग्रेजुएशन इज द रीजन ऑफ दिस डाउन स्लोप इफ यू राइट सो मेनी थिंग्स इन द दट यू कुड से सोशल uh, मीडिया पे क्या फॉलो करते हो इफ यू रिटर्न ग्रेट और सो मेथ आस्कली सोशल मीडिया को टेट इजाज़ बटे मस्ट नो द्यूज एंड इवेंट इन दिवी फॉर्म को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा वो आपको कैसे इंपैक्ट करेगा वो जनरल सोसाइटी को कैसे इंपेक्ट करेगा जो आपने न्यूज में जो टर्म्स को को कैसे इंपैक्ट करता है आपने बहुत बड़ा न्यूज कवर कर दिया और आप ये बताने में प्रॉब्लम कर रहे हो कि नॉर्मल पब्लिक को कैसे इंपैक्ट करेगा तो थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक बैकलॉग होगा कि इसने बस लिखने को लिख दिया है कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक होगा ही होगा एंड ये भी सोचना वॉट हैपन्स इफ अगर ये नहीं होता तो दुनिया कैसे चल रही होती आगे फ्यूचर क्या होता बहुत बार मैंने देखा है इंटरव्यू में पूछते हैं ट हैप इफ अगर बैंक क्राइसिस नहीं होता तो दुनिया आगे कैसे मूव कर रही होती है, अगर bank crisis हुआ है तो आपको कैसे इंपैक्ट कर रहा है तो पहला सीवी फॉर्म देख लेना दूसरा आपने जो न्यूज लिखा है उसके बारे में आपको इन डेफ पता होना चाहिए तीसरा यू मस्ट नो योर जॉब योर कंपनी योर प्रोफाइल कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है बाकी क्या है क्या नहीं है अगर आपको वर्किंग हो तो आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो और इवन आपके पास स्मॉल वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अपने के बारे में पता होने चाहिए आपको अपने में में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे पता होने चाहिए वो आपसे पूछ सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे तैयार रहना थर्ड इज योर प्रोफाइल योर एक्ट्स फोर्थ वन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड न्यूज वी जनरली शेयर ट्रेड न्यूज इन द ग्रुप्स और मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि ये ही करो बट आपको भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड न्यूज पता होने चाहिए दो आई एफ टीज एम बी ए कॉलेज बट सिंस इट्स इंटरनेशनल फिनांस और ट्रेड के बारे में बात करता है तो एक दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जा सकते हैं जो करंट न्यूज में हो तो उसको फॉलो कर लेना फोर्थ वन इज द ट्रेड न्यूज फिफ्थ वन इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए आसियान हो गया यूएन हो गया जी ट्वेंटी हो गया जी सेवन हो गया आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट वो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जिसमें इंडिया है या इंडिया ने एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट किया है इसे आप आराम से गूगल पर निकाल सकते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया बिंग अ पार्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया बिंग अ गेस्ट आपको ये पता होना चाहिए के अगर वो पूछे, तो बोल सकते हो बट अगर पता हो तो तो अच्छा होता है। तो sixth one मैंने क्या कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सब सेवेंथ वन इज द बेसिक जो लास्ट है बट बेसिक एचार क्वेश्चन पूछे है सकते हैं। से क्या ऑप्शन है एम बी ए वाई राइट नाउ गो फॉर द वर्क एंड गो फॉर द एम बी ए जो बेसिक के चार क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फॉर्म्स क्वेश्चन आते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो कैसे लोग हो क्या है कंपेयर यूर सेल्फ विथ अदर पर्सन कहाँ पे हो तो बेसिक के चार क्वेश्चन होने चाहिए तो मैंने आपको फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ मैंने सेवन पॉइंट्स क्या क्या बोले वन इज सिवी फॉर्म पूरा गो थ्रू करो दूसरा आपने न्यूज जो देखा है आपको पता होना चाहिए थर्ड एकेडमिक्स एंड रूल आपको आपका जॉब प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए फोर्थ इज द इंटरनेशनल ट्रेड न्यूज आपको पता होना चाहिए ट्रेड का जो भी चलता है कुछ इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड में जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं डंपिंग हो गया कुछ और हो गया आपको ट्रेड पॉलिसी पता होनी चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फिफ्थ वन इज़ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द समिट्स एंड द सेशन अगर कुछ हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए सिक्स वन इज़ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर आपके स्टेट में होता है सॉरी मैं बताना भूल गया था अगर कोई भी आपके स्टेट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं लाइक यूपी सबमिट हो रहा है कहीं और कुछ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए वन इज द बेसिक एचार क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तो ये तो मेजर पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज सेवन थ्री एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए विच आर कंपेयर द इकोनॉमी यू मस्ट नो दी डी पी एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक द ग्रोथ रेट पॉपुलेशन एंड अदर हैप्पीनेस इंडेक्स अगर जो एक्स्ट्रा है वो सब बट ये जीडीपी ग्रोथ रेट जीडीपी क्या है क्या नहीं है इंडिपेंडेंस कब मिली थी सो हम कंपेयर कर सके क्या है एटलीस्ट चाइना इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश यूक्रेन रशिया ये सबके इंपॉर्टेंस फिगर्स आपको पता होने चाहिए आप हो सकते हो मुझको फिगर याद नहीं रहता तो अगर आप एक बार देख लो ना तो यू कुड से कि ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रहा था इंडिया का पोजिशन यहाँ पे एंड इंडिया यहाँ बेटर कर सकता है अभी पॉपुलेशन के बहुत अच्छे नंबर्स देख रहे हैं आप इसको अच्छा बोलो या बुरा बोलो इट्स अप टू यू की इंडिया इज गोइंग टू सुपर चाइना और कुछ और भी है द स्किल लेबर ले सब अगर आपको पता है तो आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो इफ क्वेश्चन इज आस्ट है ना कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछते आराम से बात किया चले गए बट हमें तो सबकी तैयारी करनी रहती है तो एक्स्ट्रा में जो पहला क्या है हमें कंपेयर करना आना चाहिए हमें गेस्टिमेशन आना चाहिए कि आपके स्टेट में बताओ कितने साइकिल्स हैं आपके सिटी में कितने साइकिल्स हैं तो ये कंपेयर आपको पता होना चाहिए एंड वन एक्स्ट्रा न्यूज यू नीड टू फॉलो मतलब आपने जो इवेंट लिखा है कि अपने सीवी फॉर्म में वो तो ठीक है बट एक एक्स्ट्रा न्यूज जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा होगा डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए अपने इंटरव्यू के दो तीन दिन पहले चार दिन पहले जो चल रहा है एंड द लास्ट थर्ड पॉइंट अगर आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए इलेक्शन के बारे में आपको अपने एमपीज के बारे में पता होना चाहिए आपको एमएलए के बारे में पता होना चाहिए ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए बाकी तो रैंडम कुछ भी आ सकता है तो सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्री एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने कवर किए इसको देख लीजिए मैं अपने ग्रुप में मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा हूं वो अपने मिंटर्स के साथ मॉक इंटरव्यू प्लान कर लेंगे पहला फर्स्ट दो मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट उनको मिलेगी आप प्लान करो अपने मिंटर्स के साथ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो सो वर्क ऑन एटलीस्ट दीज सेवन लाइन एंड प्लस थ्री एक्स्ट्रा लाइन्स एंड गिव योर बेस्ट और कोई भी हेल्प चाहिए तो अपने डाउट्स को पूछ लेना मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए एंड एट लास्ट कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एडमिशन ओपन हो चुका है आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जाओ ज्वाइन कर लो कोई भी डाउट हो तो WhatsApp पे पूछ लो डबल नाइन जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो वन फाइव नाइन इज द नंबर नंबर इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप व्हाट्सअप पे भी डाउट्स पूछ सकते हो अपने तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट किसी क्वेश्चन या किसी फाउंडमेशन के साथ इसी चैनल पर टिल दैट गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय